चंद्रयान 3 पर इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कहा, यदि कारक प्रतिकूल रहे तो हम लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल देंगे। दरअसल अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को कहा, अगर विक्रम मॉड्यूल को 23 अगस्त को उतारना उचित नहीं होगा तो इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए वैकल्पिक तारीख 27 अगस्त रखने की संभावना रख रहा है। अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एम देसाई ने एक समाचार एजेंसी को बताया, हमने 23 अगस्त की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है और हमें उम्मीद है कि लैंडिंग उसी दिन होगी। हालांकि देसाई ने कहा, 23 अगस्त को लैंडिंग से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की सेहत और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। यदि कोई कारक प्रतीत होता है या फिर इसके अनुकूल नहीं है तो हम 27 अगस्त को चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग करेंगे। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 2 के लैंडर की खराब लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इसरो इस बार चंद्रयान 3 को लेकर पूरी सावधानी बरत रहा है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखते हुए इसरो ने विक्रम लैंडर के पैरों को मजबूत किया है। लैंडर के साथ पहले से अधिक कठोर परीक्षण किए गए हैं और इस बार सभी सुधारात्मक उपाय पहले से ज्यादा बेहतर किए जा चुके हैं। हाल ही में रूसी लूना 25 प्रोब की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो चंद्रमा लैंडिंग के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। देसाई के बयान से पता चलता है कि अगर 23 अगस्त को परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो इसरो लैंडिंग में देरी करने से नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन इस बार वे लैंडर के साथ कोई जोखिम नहीं लेंगे। यदि लैंडिंग 27 अगस्त को होती है तो इसरो को रोवर और लैंडर के संचालन के लिए 4 दिन का नुकसान और हो सकता है। हालांकि विक्रम लैंडर की सुचारू लैंडिंग फिलहाल इसरो की प्राथमिकता है। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।